जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। दिल की सुन वेब सीरीज आपकी आ रही है, एक दो पार्ट्स आ भी चुके हैं जी, लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। मैंने भी एक देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? यार बहुत ओवरवेलमिंग रहा है एक्चुअली। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको लगता ही है कि आप दिल से बना रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आएगी, लेकिन इतना पसंद आएगी ये मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि ये जो भी मैं बना रही हूँ वो नीड ऑफ द आवर है, सबको इसकी ज़रूरत है इस वक्त। इतना पता था कि कहीं ना कहीं ये कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी लोगों की ज़िंदगी में, मगर इतना इसे पॉजिटिवली लोग लेंगे ये बहुत ओवरवेलमिंग हार्ट वार्मिंग फीलिंग है। मतलब मैं कई बार जब कमेंट्स पढ़ती हूँ सच में मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं कि जब एक चीज़ होती है ना, एक तो आप अपने प्रोफेशन के लिए करते हो और एक आप अपने पर्पस के लिए करते हो, तो ये चीज़ मैंने अपने पर्पस के लिए की, और जब आप अपने पर्पस को सफल होता देखते हो तो उसका जॉय अलग ही है। आप ट्राई करना कभी लाइफ में, जब आपको अपना पर्पस मिल जाए तब आप उसके लिए जो करोगे ना, उसको जब अप्रिसिएशन मिलेगा तो उसका जॉय का मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा लेवल पे होता है कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। सो आई हैव हैड, आई लिटरली हैव टीयर्स एवरी डे व्हेन आई रीड कमेंट्स ऑफ पीपल, एंड इफ यू रीड द कमेंट्स देयर इज हार्डली वन और टू नेगेटिव कमेंट्स, हार्डली, व्हिच नेवर हैपेंस इन एनी फिल्म। सो आई एम जस्ट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, द एग्जिस्टेंस एंड पीपल दैट दे आर liking what I'm doing and what I'm trying to say, they're understanding, you know, it's reaching their heart, so I'm very happy about that. तो क्योंकि web series का present time में हम देख रहे हैं, web series का दौर है और लोगों को बहुत ही web series लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है, तो हम समझे कि इसलिए आपने ये चालू किया क्योंकि और लोगों को पसंद भी आ रही है? नहीं यार, हम तो ना honestly हम तो छोटी-छोटी फिल्में बनाना चाह रहे थे, but अब हमारे पास एक 7 फिल्में बन गई, तो हमने कहा क्यों ना हम इसे एक वेब सीरीज के तौर पर डालें ताकि एक के बाद लोग उसे देखें। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरी फिल्म का, लेकिन अगर आप लार्जर व्यू में देखें तो हर फिल्म कनेक्टेड है लाइफ से, लाइफ व्यू से, तो इसलिए हमने इसको वेब सीरीज में बनाया। ऑल्सो इसलिए बनाया कि शॉर्टर फॉर्मेट पे इसलिए बनाया क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, छोटी छोटी बातों में अगर लोगों को अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें तो देर इज़ नथिंग लाइक इट। तो हमने बड़ी ही सोच के 6-7 महीने हमने प्री प्रोडक्शन में लिए, एक एक स्टोरी को सोचा पूरी तरह से, उसमें कितना छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि स्टोरी भी ख़राब ना हो। जैसे कंपैशन थी वो 9 मिनट की या 10 मिनट की फिल्म है, और उसमें हम उससे छोटा कर ही नहीं सकते, वो मर मर के हमने इतनी छोटी की है। पर उस फिल्म का पूरा जो आपने देखी, उस फिल्म का पूरा सार ही ये है कि जब इंसान की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उसके पास जीने के लिए अब कोई चारा नहीं बचा है तो कितनी स्लो हो जाती है लाइफ, तो वो स्लोनेस दिखानी बहुत ज़रूरी थी, तो वो एक ही फिल्म है जो हमारी आई थिंक 9 मिनट की है, बाकी एक और फिल्म है जो हमारी 14-15 मिनट की होगी, जो मेरी लास्ट फिल्म होगी अब्दुल की सुन की पहली सीजन की। या तो कुछ एक आपके रियल लाइफ पर भी बेस्ड है? ये सारी मेरी रियल लाइफ पर बेस्ड है, सारे इनमें से एक एक फीलिंग, जैसे कि कंपैशन, आई थिंक इससे सभी कोई गुजरते हैं कि आप जहाँ भी अगर आपको तरक्की मिल रही है या कुछ हो रहा है, या अगर आप दूसरों से खूबसूरत दिखते हैं, या अगर आप दूसरों से बेटर हैं, नहीं भी हैं, उनको लगता है कि आप बेटर हैं, तो वो किस तरह से आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी जज करते हैं। अच्छा, बोलते दिल से भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को जेन्युइनली आपसे हेटरेड हो क्या, जेन्युइन हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, वो तब तक नहीं आता जब तक आपके दिल में जेन्युइन प्यार नहीं हो, जब तक आप में जेन्युइन प्यार करने की क्षमता नहीं है आप जेन्युइनली हेट भी नहीं कर सकते। तो ये जस्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है सेम इमोशन, तो इतना तो लोगों के पास टाइम है नहीं, ना इतनी समझ है, ना इतनी डेप्थ है, नॉट एवरीबडी, आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ लार्जर स्केल। तो अब अगर क्या होता है, हम उसे बुरा लगा, हमें तो बुरा लगता है ना अगर हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोले तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या, जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कैसे बोल रहा है मेरे बारे में ऐसा। सो यही चीज़ें हैं जो लोगों को डिप्रेशन तक पहुँचाती हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान अंदर 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 ना घुटता रहता है, घुटता रहता है, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा और सराउंडिंग में भी देखा। तो हमने सोचा यार इस एक चैप्टर पे फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए कि जब आप मरने वाला होता है ना तब सारी सिंपैथी आ जाती है लोगों की, अरे बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, कितना अच्छा था, कितना ये था, अरे जीते जी बोल दो उसको, जी जाएगा शायद और कुछ साल, उसको तुमने मार दिया बोल के कि ऐसा है वैसा है, न ऐसी है न वैसी है, और वो मर रही है बेचारी, क्यों
what are we? We are human beings. We all need people. We all need each other to survive. We all need love to survive. और अगर वही हम जीते जी नहीं देंगे तो मरने के बाद देने से क्या फ़ायदा? यू नो, सो वो मेरी लाइन मैंने एक्चुअली किसी को कही थी ज़िंदगी में. या आई हैड अ रिलेशनशिप और वो मुझे हमेशा कहता था कि अरे जब टाइम आएगा तो कर लेंगे, जब टाइम आएगा तो कर लेंगे. एंड व्हेन एक्चुअली आई वांटेड टू डाई एंड आई कमिटेड सुसाइड एंड आई व्हेन आई केम बैक, सो देन आई हैड टू लीव द रिलेशनशिप एंड आई हैड टू से दैट डिड आई हैव टू रियली डाई टू गेट योर लव. सो वो लाइन एक्चुअली मैंने ही लिखी है कि प्यार पाने के लिए मरना ज़रूरी है क्या? यू नो, सो दीज आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय माई लाइफ. इवन मर्सी इज इंस्पायर्ड बाई एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन माई लाइफ व्हेन आई वाज शूटिंग ये मेरी लाइफ है. और मुझे फ़ोन आया कि आपके भाई की किसी ने गर्दन काट दी है. सो इमेजिन आई एम शूटिंग अ वेरी हैप्पी सीन और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. और मेरे भाई रिजवान से मैं रिजवान के साथ ही ऐसा हुआ था जिसके साथ मैंने ये फिल्म शूट की है. तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ यार. तो सेट छोड़ के नहीं जा सकते, इतना कट टू कट है. सो आई रिक्वेस्टेड द प्रोड्यूसर्स प्लीज़ आई हैव टू गो, माई ब्रदर इज इन ICU. उसकी गर्दन कट गई. मुझे फ़ोन पे बताया जा रहा है कि वो ICU में है, उसकी गर्दन पे 50 टाके आए हैं और दो लड़कों ने उसे रोड पे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की और उसको काट दिया. किसके पास चाकू था, उसने लड़ाई की होगी तो काट दिया. तो वो जो मेरा सफ़र था मेरे सेट से, जो साकिनाका में था, वहाँ से अंधेरी हॉस्पिटल तक पहुँचने का, उस सफ़र में मैंने इन दो लड़कों को जिन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा किया, कैसे कैसे टॉर्चर करना है, सब समझ लिया. बिकॉज पहला आपका गुस्से में आप यही रिएक्ट करते हैं ना कि मुझे मारना है उसको, अब मैं उसको कैसे सज़ा दिलाऊँ, कैसे क्या करूँ, मेरे भाई का गला काट दिया, 55 टाँके आए हैं, वो कभी शायद बोल भी नहीं पाए ज़िंदगी में. यू नो हाउ सेंसिटिव योर नेक इज़. इफ एक यहाँ से कुछ कट गया, आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं काम कर सकते. सो व्हेन दैट हैपेंड आई केम बैक एंड आई, जब तक मैं आ रही थी और इतना गुस्सा मुझे, इतना दुख, गुस्सा, हर चीज़, पूरा इमोशन मेरा टर्मोइल हो रहा था. मैं रो रही थी, मैं एंग्री थी, मैं सोच रही थी मैं किसको फ़ोन करूँ, कैसे इन दो लड़कों को मैं बुरी से बुरी सज़ा दिलाऊँ. पर जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँची ना, मैंने ये देखा जो मेरी सोच में कि क्या हो जाएगा उसे सज़ा दिलाने से. क्या मेरा भाई वापस ठीक हो जाएगा? क्या उसकी गर्दन जो कटी हुई है वो वापस ज़िप हो जाएगी? क्या वो मोमेंट जो हो चुका है वो रिवर्स हो जाएगा? नहीं होगा. और वो भी उसी की उम्र के बच्चे थे जिन्होंने ऐसा किया. तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, जस्ट बिफोर मैं हॉस्पिटल पहुंची, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग ने मेरे अंदर जन्म लिया. वो था मर्सी. सो आई रियलाइज्ड बाय द एंड ऑफ, बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू फॉरगिव देम एंड आई एम गोइंग टू गिव देम अ चांस. आई सॉ दोज टू किड्स गिड़गिड़ाए, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे, दीदी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई. एंड आई जस्ट फेल्ट अगर मेरे भाई ने ऐसा किया होता तो मैं यही उम्मीद करती कि कोई उसे माफ़ कर दे, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो. क्योंकि आप एज ए फैमिली यही उम्मीद करोगे, या मुझसे हो जाती तो क्या उम्मीद करूँगी मैं, हो गई मुझसे गलती. अब उस एक मोमेंट में आपने रेज में आया और आपने कर दिया, गलती है मानते हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में क्या उम्मीद करोगे? मर्सी. सो दैट्स वाई आई शॉट दिस फिल्म एंड आई नाउ शॉट इट लाइक हाउ अगर मेरा भाई करके आता तो. You know, mm-hmm. that way. ये तो अभी जस्ट देखना पड़ेगा मुझे. You have to see it. तो ऐसा हम माने कि मतलब आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं आप. एक्चुअली मुझे लिखना नहीं आता, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे हैं. सो आई हैव माई राइटर्स. सैम तो खुद ने लिखी है ये. तो सैम है ऐसा बंदा है जिसने मेरे दिमाग को किस तरह से समझ के एक एक चीज़ से निकाल निकाल के उसको स्टोरी में पिरोया है और बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है. और हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम लोगों से कहें कि ये सही है ये गलत है. जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि आप लोगों से पूछते हो कि तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ये सवाल उठे. मेरे कहने से कि ये करो ये मत करो आप नहीं करेंगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी तब आप करेंगे. तो हमारा पूरी कोशिश यही है कि इस सीरीज़ के ज़रिए वो अवेयरनेस, वो सवाल हम लोगों में पैदा कर सके, ताकि जो इतना डिप्रेशन, इतनी नेगेटिविटी फैली है वो किसी तरह कम हो जाए. क्योंकि ये कम कब होती है? जब हम खुद को संवारते हैं. और हमें दुनिया को संवारने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1% एट ए टाइम अपना ही ध्यान रख लो बस, और कुछ नहीं. सेव अर्थ, सेव अर्थ, सेव प्लैनेट अर्थ, यू सेव योर सेल्फ, दैट्स ऑल.
द अर्थ विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आपके भाई का क्या फीडबैक था जब उन्होंने और आपने साथ? यार हमने जब ये कहानी सुनी ना, सैम ने जब मेरे को सुनाई और उसने मेरे को एंड में ना, मैं ऐसे हो गई. उसने बोला आप क्या करोगे, उसने मुझे सीधा ये पूछा. तो मैंने बोला क्या मतलब, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि वो मुझे पूछेगा. तो आई वॉज टेकन अबैक. तो बोला आप क्या करोगे, मैंने बोला यार मैं तो अपने भाई को बचाऊंगी, कोशिश करूंगी बचाने की, दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर. तुम क्या करोगे, मैंने उसको फिर मैंने उसको पूछा तुम क्या करोगे, तो कहता है मैं तो मार दूंगा. मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू. मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है. और मैंने जितने जितने लोगों को पूछा, इट्स सच अ सेंसिटिव क्वेश्चन दैट इट सडनली ब्रिंग्स यू ऑफ गार्ड कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि अब आप पे आ गई ना, अब आप क्या करोगे, यू नो. सो जब उसने मुझे बोला आप बिलीव मानेंगे, जब उसने मुझे स्टोरी नरेट की, मैं 3 दिन तक ठीक से सो नहीं पाई. ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा. मैं ऑलमोस्ट, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इस कदर तक. मतलब जब उसने बोला ये बनाना है, तो मैं बोला नहीं नहीं सैम बहुत डिफिकल्ट है ये, आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट एंड आई डोंट थिंक. बट ये सर आपके साथ हुआ है, बट आई सी दैट वॉज मी. आई प्रॉबली हैव अ कंपैशनेट हार्ट एंड आई फॉरगेव पीपल, बट वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी लार्ज ऑडियंस विच आई डोंट नो हाउ दे आर गोना टेक इट, व्हाट्स गोना हैपन. But after the third day, I just got this inner voice that you should make it. Mm-hmm. And so I made it. Mm-hmm. And now people are just loving it. Some people are saying that this is the best one so far. Yes, sir. Yeah. ऐसा यू नो बिल्कुल बिल्कुल आती है. अभी क्या है, अभी पहले हमको इतना बड़ा फाइनेंसर चाहिए जो इतना पैसा देते हमें. ऑल दैट विल हैपन. द ओनली थिंग वी डिड नॉट थिंक लाइक दैट. आर होल पर्पज टू मेक दिस सीरीज वॉज टू हेल्प पीपल. दैट वॉज मेन पर्पज, माइंड सैम्स रिजवान ऑल ऑफ अस, कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो जाए. कैसे होगी, अच्छा फिल्में बनाते हैं, फिल्में क्या ज़्यादा लोग देख सकते हैं. अभी घर घर जाके तो नॉक करके सबको बोल नहीं सकते आओ हम तुमसे बात करते हैं. तो इस फिल्मों के जरिए हम, आप हमारे इंटरव्यू लेने आए हैं, आप जब इंटरव्यू लेने आए हैं आप डिप्रेशन की बात करेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. ये जो एक वार्तालाप हो रही है, ये लोगों को किस तरह से हिम्मत दिला सकती है बात करने के लिए, क्योंकि ऑल यू नीड इज़ अ कॉन्वर्सेशन, दैट्स इट, दैट्स इट. And everything will be sorted. Because उनकी conversation ठीक नहीं होती है, वो बेचारे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. तो क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैं बात नहीं करती थी किसी से, मैं बोलती नहीं थी, बिकॉज बड़ा ईगो था, क्या बताना किसी को क्या प्रॉब्लम है. और हमें तो बताया जाता है ना, हंसते रहो, जो प्रॉब्लम है हंसते रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव. हाउ कैन यू ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट्स इम्पॉसिबल. नेचर ही नहीं रहता भाई पॉजिटिव, तो कैसे रहोगे तुम पॉजिटिव. तो यू बेसिकली टीचिंग रॉन्ग टू ह्यूमन बींग्स. Teach them right. Teach them the reality and they will absolutely, you know, go in the right way. So, जो मैंने सीखा, मुझे लगा मुझे share करना चाहिए. कैसे share करूँ फिल्मों के जरिए? So that's why we made films. Feature film, अब हमें कह रहे हैं लोग, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कैसा आएगा response, क्या करेंगे लोग, कुछ पता नहीं होता है. जब आप कोई भी serial, कोई भी चीज़ बना रहे होते हो, you are very vulnerable. आप बनाते हो अपने दिल से, लेकिन there's still this lot of vulnerability, lot of fear, lot of क्वेश्चंस कि क्या होगा, कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा. सो वी वांटेड टू आल्सो टेस्ट द मार्केट कि कैसा लग रहा है लोगों को, इज इट रियली यू नो अट्रैक्टिंग पीपल. एंड आई एम ओपन टू मेक द होल फिल्म. मैं तो एक खुली किताब हूँ, मैं तो अपनी लाइफ के बारे में भी सब शेयर करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ लोगों को कि डर ही निकल जाए लोगों को, जितना बड़ा बड़ा होता है कि ये नहीं शेयर करो, वो नहीं शेयर करो, ऐसा जज करेगा, वैसा जज करेगा. मुझे सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपको लगता है मेरे को देख के कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है मुझे? नहीं ना, बस तो ऐसे ही रहो ना, लाइफ आपकी है यार, कौन आपको आगे खिलाता है यहाँ पे. ओके, तो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने भी जितने भी पार्ट देखे हैं, अपकमिंग कितने पार्ट और होने वाले हैं, अभी क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाने वाला है या कुछ अभी? सब इंटरेस्टिंग है. आप एक एक फिल्म उठा के देखेंगे, सब अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, और टॉपिक एकदम सिंपल है हमारे. और हमारी फिल्में ज्यादा बोलने वाली नहीं है, हमारी फिल्में जस्ट फील करने वाली है. यू नो दैट वॉज ऑल्सो अनदर थिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच. मुझे लगता है कि यार इतना बात करके किसी से क्या बोलना, फील करो, कनेक्ट करो, साइलेंस स्पीक्स द बेस्ट. सो देर आर 4 मोर टू कम एंड ईच वन इज़ ब्यूटिफुल, आई ऑल आई कैन से.
द लास्ट वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन आई वुड से. द लास्ट वन इज ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वॉट इट कैन डू टू अ ह्यूमन बींग एंड हाउ यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ इट. वो फिल्म उसके ऊपर है. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.